हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गैजेट अनबॉक्सिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास दो बहुत ही खूबसूरत से और स्टाइलिश लाइटर्स हैं, जिनका आज हम रिव्यू करेंगे, इनका टेस्ट करेंगे और इनका कंपैरिजन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको इस तरह की तमाम वीडियोज मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इनका रिव्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं जी हमारे पास दो बहुत ही खूबसूरत है और स्टाइलिश लाइटर्स, जिनमें से एक का नाम है जिपो लाइटर और दूसरा है प्लेइंग कार्ड लाइटर। तो फ्रेंड्स, काफ़ी खूबसूरत और स्टाइलिश लाइटर्स हैं। इन दोनों को मैंने बाय किया है, दराज पर मौजूद है एक ब्रांड जिसका नाम है एफ्रीटो। आप इसको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और इसको ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ से। फ्रेंड्स, बहुत ही ट्रस्टवर्दी ब्रांड है और ये सेलर जो है जिस चीज़ का आप ऑर्डर करेंगे वही चीज़ आपको डिलीवर करेगा, तो काफ़ी ट्रस्टवर्दी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको फॉलो करें और इससे जो है आप ऑर्डर करवा सकते हैं दराज पर। तो फ्रेंड्स, दोनों का हम रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं जिपो लाइटर का रिव्यू करता हूँ और इसको मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। स्मॉल से बॉक्स में इसको पैक किया गया था और इसका साइज़ भी जो है वो काफ़ी स्मॉल साइज़ है, पॉकेट साइज़ है। और अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ, इसके डायमेंशन की, तो इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 5.5 सेंटीमीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर है और यहाँ से इसकी जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है। तो इसकी डायमेंशन बन जाती है 5.5 बाई 3.5 बाई 1 सेंटीमीटर। और वेट भी इसका काफ़ी लो है, सिर्फ इसका वेट है 48 ग्राम। और फ्रेंड्स, विंड प्रूफ लाइटर है। यहाँ पर ये इसका जो कैप है, आप इसको इस तरह से हटाएंगे तो एक क्लिक के साथ जो है ये ओपन होगा, और अगर आप इसको दोबारा से इस तरह से बंद करेंगे तो फिर भी एक क्लिक की आवाज़ आएगी, जो कि इसको मज़ीद स्टाइलिश बना देता है। फ्रेंड्स, इस तरह के लाइटर्स जो हैं आपने हॉलीवुड मूवीज़ में बहुत से देखे होंगे। हॉलीवुड मूवी में ज़्यादातर इसी तरह के लाइटर जो हैं वो यूज़ होते हैं। और इस तरह से आप इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें, इसका जो फ्लेम है वो जलने लग गया है। तो काफ़ी खूबसूरत और स्टाइलिश लुक है फ्रेंड्स इसकी। जब आपने इसको बंद करना है तो आप इस को इस तरह से बंद करेंगे तो ये इसका फ्लेम जो है वो बंद हो जाएगा। तो काफ़ी स्टाइलिश लुक है फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत है। मेटल बॉडी है इसकी फुल। और फ्रेंड्स, जब आप इसको बाय करेंगे तो ये फिल नहीं होगा, आपको इसको खुद से रिफ़िल करवाना पड़ेगा। ये आप इसको खुद भी रिफ़िल कर सकते हैं, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ आपने इसको किस तरह से रिफ़िल करना है। ये जो इसकी बॉडी है, इनर बॉडी, ये बाहर निकल आती है, आप इसको यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। आपने इसको पहले इस तरह से सीधा करना है और इसके बाद जो है आप यहाँ से इसको आसानी के साथ जो है इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको आपने हटाना है और इसके नीचे जो है आपने इसको फिल कर देना है। जो फ्यूल है इसका होता है आपने जिपो फ्यूल जो है वो आपको मार्केट से मिल जाएगा, आप इसको इसमें फिल कर देंगे और उसके बाद जो है आप इसको दोबारा से इसको बंद कर देंगे। तो कोई मुश्किल नहीं है, इसको रीफिल करना बहुत ही ईजी है और काफ़ी ड्यूरेबल मटीरियल से बना हुआ है फ्रेंड्स। मुझे ये काफ़ी खूबसूरत लगा है, आपने इसके बारे में कमेंट करना है कि आपको ये किस तरह का लगा है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी प्राइस है 375 रुपीज़। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विंड प्रूफ डिज़ाइन है। तो ये देखें फ्रेंड्स, अब इसने जलते रहना है, इसका जो डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है कि इस पर विंड जो है वो जल्दी असर नहीं करती। अब ये इस तरह जलता रहेगा और जब आपने इसको बंद करना है तो आपने क्या करना है कि इसका लिड जो है इसको ऊपर इसके डाल देना है, तो ये बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम दूसरे लाइटर की तरफ और उसको अब हम रिव्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है जी एक प्लेइंग कार्ड लाइटर, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखता है और बिल्कुल एक प्लेइंग कार्ड की तरह आपको इसका डिज़ाइन नज़र आ रहा है, बल्कि नज़र ही इस तरह आ रहा है जैसे एक प्लेइंग कार्ड है, लेकिन इसका साइज़ जो है वो स्मॉल है। और यहाँ पर देखें तो बैक साइड पर भी इसी तरह इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ से जो है इसका फ्लेम जो है आपको जलता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से जो आप इसको ओपन करके रीफिल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी फुल मटेरियल जो है इसका
फुल बॉडी जो है मेटल की बनी हुई है और इसका लुक जो है वो काफ़ी स्टाइलिश है और इसका जो फ्लेम है वो भी काफ़ी स्टाइलिश है। फ्रेंड्स ये देखें आपने इसको किस तरह से इसका फ्लेम जो है वो जलाना है, आपने क्या करना है, इसको फ्लिप करना है इस तरह से और बहुत ही आसानी के साथ जो है ये देखें पहले जो इसका फ्लेम है उसका कलर आम फ्लेम की तरह होता है, यानी रेडिश कलर में होता है और उसके बाद जो है ग्रीन कलर में हो जाता है, जो कि इसको काफ़ी स्टाइलिश बना देता है और काफ़ी खूबसूरत बना देता है। तो फ्रेंड्स इसका साइज़ भी काफ़ी स्मॉल है, पॉकेट साइज़ है, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। इसके डायमेंशन की बात करें तो इसका जो लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर है, इसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर है और इसकी जो मोटाई है यहाँ से वो 1 सेंटीमीटर है। और अगर इसकी वेट की बात करें तो फ्रेंड्स इसका वेट भी काफ़ी लो है, 41 ग्राम है, जिसकी वजह से आप इसको इजीली पॉकेट में कैरी कर सकते हैं और इजीली आप इसको पोर्टेबल है फ्रेंड्स। और अगर इसकी बात करें प्राइस की तो इसकी प्राइस भी बहुत कम है, सिर्फ 350 रुपीज़ में आप इसको बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था इन दोनों का रिव्यू, आपको इन दोनों में से कौन सा लाइटर जो है वो पसंद आया तो उसके बारे में आपने कमेंट करना है। इन दोनों को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से इन दोनों को बाय कर सकते हैं।